अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आफ्टरनून किचन जायका में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी। ये बहुत ही कम मसालों में बहुत टेस्टी कबाब बनकर के रेडी होते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी पार्ट मिस ना हो और कबाब बहुत ही अच्छे बन के रेडी हो जाए। मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1/2 kg मटन का कीमा, 1 tablespoon गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon जीरा पाउडर, धनिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर ली हूँ। साथ ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, चने की दाल जिसे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगा कर रख दी थी। अब हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे कीमा, दाल, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, 1 glass पानी और प्रेशर कुकर के लीड क्लोज कर कर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए पका लेंगे। 1 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर रखकर हमें सारे पानी को सुखा लेना है। सारा पानी सूख जाने के बाद हमें मिक्सचर को थोड़ा कूल कर लेना है। हम एक मिक्सर के जार में ऐड करेंगे कूल किया हुआ मिक्सचर। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे प्याज, धनिया, इसे एकदम फाइनली पीस लेना है। अब हम अपने हाथों में ऑयल लगा लेंगे और मिक्सचर को इस तरह से गोल कर लेंगे। इसे इस तरह से कबाब का शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा शेप दे सकते हैं। हम शामी कबाब को डीप करेंगे अंडे में, इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरह के कोई भी कबाब अगर फ्राई करते हैं तो आयरन का तवा ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे कबाब और भी टेस्टी बन करके रेडी होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टिक पैन। कबाब आप पुदीना, नींबू और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कबाब जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।